नमस्कार, प्राइम टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से। उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। सभी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर लिया है। ऐसे में अयोध्या के विधानसभा की खोट सीट बिल्कीपुर पर चुनाव होना है। वहीं इस चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से टिकट के दावेदारी को लेकर सभी दावेदारी कर रहे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण करके जनता के बीच जा रहे। उन्होंने जनता का अपार समर्थन मिल रहा। जब मीडिया की टीम क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया तो सभी का कहना है कि अयोध्या के विकास कार्य को लेकर वोट करेंगे। इस दौरान भाजपा से टिकट दावेदारी कर रही उषा रावत जनता के बीच मिलने पहुंची। जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीघ्र नेताओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। और उनका कहना है कि उन्होंने मुझे पहली बार महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मुझे कैबिनेट का पावर मिला हुआ है। महिला के लिए निरंतर कार्य किया है। और अगर पार्टी, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो उनके भरोसे पर खड़ा उतरूंगी। प्राइम के लिए उषा के लिए आजम खान अयोध्या। भाजपा का चाहते हैं क्यों? भाजपा जैसे कार्यकाल कोई नहीं चला पाएगा। सारा हुआ अच्छा, अगर बिल्कुल स्वागत है भाजपा से। अगर महिला टिकट पाती है तो हम लोग बिल्कुल साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन उपाध्याय। किस गांव से हैं? यहीं से, मेन मार्केट कुमारगंज। हाँ, विधायक अच्छा हो अपने एरिया का, जो अच्छा काम करे। और तालुक इटौंजा से है, घर इटौंजा है। पहले हम विकास को लेकर ही वोट हुआ है इसमें भी, और आगे भी विकास को लेकर के ही वोट होना चाहिए। और क्या क्या अब इसके बारे में बहुत अंदाज़ा नहीं है। मुख्य मुद्दा विकास पार्टी से नहीं, मतलब विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, विकास हो क्षेत्र में, विकास होना चाहिए। मौलाना मिराज अहमद खान क्षेत्र में किस तरह का प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं? अरे भाजपा जा रहे हैं। भाजपा को किस लिए चाह रहे हैं ये भी बता दीजिए। क्या, अरे क्या देख रहे हैं आप? सब कुछ देख रहे हैं ना भाजपा का, मतलब उसके विकास से आप लोग खुश हैं? खुश हैं, पूरा सहमत है, खुश भी हैं। अगर भाजपा कोई प्रत्याशी खड़ा हो क्या आप लोग उसके साथ हैं? हाँ साथ हैं, सब कुछ करने के लिए साथ हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। किस तरह संतुष्ट हैं आप? अरे पूरा जैसा ही संतुष्ट है। क्या नाम है? अशोक कुमार। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। अरे चाहे जो रहेगा सर, ठीक। महिला विधायक अगर एक तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये है कि पार्टी के सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी कैंडिडेट जो पार्टी के प्रति वफादार हो, अच्छा काम किया हो इसके पहले, उसको भी देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कौवा कान ले रहा उड़े जा रहे हो। ऐसा होना चाहिए प्रत्याशी जो कि पब्लिक का काम कर सके। पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं होता है, पब्लिक तो बेचारी वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है पब्लिक। इसलिए तो मेन चीज़ तो यह है कि सबसे पहले हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसा प्रत्याशी दें जो कि पार्टी के लिए भी कर सके और पब्लिक के लिए भी काम कर सके। आप महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, आपने लगातार समाज की सेवा किया है, और चाहे जो भी हो महिला के हक में भी आपने लड़ाई लड़ने का कार्य किया। एक बार आपको अवसर मिल रहा है चुनाव लड़ने का, क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी मैदान में, और क्या उम्मीद रखती हैं? हम मैदान में तो है ही, मैदान में है। मैं तो वो काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जब पहली बार महिला आयोग बना था तो हमें ये पहली बार मुझको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और मैं कैबिनेट का पावर था मेरे हाथ में उस समय पहली बार में, और मैंने कार्य किया है। लोगों को घर में बहन बेटियों, कहीं डाइवोर्स होना, कहीं कुछ होना, मैंने सबको समझौता कराया। मैं किसी को अपसेट नहीं किया कि तुम वहाँ जाओ ना करो, ऐसा नहीं किया मैंने। और मैं पार्टी में आई हूँ, मैं पार्टी जिता के दिखूँगी। मैं तो पार्टी को जिता के दिखाएंगे अपने को, लेकिन पार्टी के प्रति वफादार हूँ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जो भी हमारा पार्टी का होगा, मैं सब मतलब सपोर्ट करूंगी। अच्छा, आप कैंपेनिंग कर रही हैं मिर्जापुर विधानसभा की जनता से, जनता तरह का इसमें आपको मिल रहा है? जनता का तो इतना इसमें मिल रहा है कि इसीलिए तो हम कह रहे थे कि अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारी जनता हमारे साथ है। ये सब कराने की कोई ज़रूरत है? जनता हमें इतना मान रही है। लोग जानते हैं कि अभी तक जनता को लोग बेवकूफ़ बनाते थे। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है, लेकिन जनता ये सोचती है कि ईमानदार आदमी होना चाहिए। ये पार्टी, ये तो ईमानदारी देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन काम कर सकेगा। और महिलाओं के बारे में जानती, महिला एक माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। जो घर में माँ होती है, बहन होती है, बेटी, वो जितना परिवार का ख्याल रखती है कोई नहीं रखता।